हेलो एवरी वन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यू जी सी नेट फॉरेंसिक साइंस जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का पेपर टू फॉरेंसिक साइंस का जिसके ट्वेंटी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहले की वीडियोज़ में जिसकी प्ले लिस्ट भी आपको मिल गई होगी प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से शुरू करेंगे क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियोज़ में ये हंड्रेड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी ना बने हम सिर्फ और सिर्फ कीज नहीं बता रहे हैं हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट और ये भी डिस्कस करेंगे कि 2023 में किस तरीके के आपको और देखने को मिल सकते हैं रिलेटेड टू दैट सेम कॉन्सेप्ट ठीक है so सो क्वेश्चन जब आप एक्सप्लोजिव की क्लासिफिकेशन देखते हो तब आप उसमें नाइट्रामाइंस के बारे में भी पढ़ते हो अब इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा एग्जाम्पल होगा नाइट्राम्स का एग्जाम्पल होगा आपके पास ऑप्शन है टी एन टी पी ई टी एंड आर डी एक्स पिक्रिक एसिड ये जो चारों ऑप्शन है वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं करते आपके क्वेश्चन को बट स्टिल वी हैव अ करेक्ट आंसर जिसका करेक्ट आंसर है आर डी एक्स एक एक करके देख लेते हैं टी एन टी का फुल फॉर्म क्या है ट्राई नाइट्रोटोलोविन इट्स नॉट इट इज नॉट अ नाइट्रामाइंड इट कंटेन्स नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप माइनस एन टू ओ या फिर एन टू ओ फाइनल फंक्शनल ग्रुप बोलो ये बॉन्ड के लिए माइनस लगा हुआ है बट इट इज नॉट दी नाइट्रामाइन फंक्शनल ग्रुप नाइट्रामाइन फंक्शनल ग्रुप इस तरीके का होता है पीई टी एन का फुल फॉर्म है पेंटा पेंटा इरिद्रो ट्राइ नाइट्रामाइन इट इज नॉट इट इज ऑल्सो नॉट ए नाइट्रामाइन इट कंटेन्स नाइट्रेड ग्रुप पर यह नाइट्रामाइन नहीं है आर डी एक्स की हम बात करें सो आर डी एक्स इज समथिंग विच कम्स अंडर नाइट्रामाइन ठीक है क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्रामाइन का एक ऐसा केमिकल ग्रुप है सो ये करेक्ट आंसर होगा आर डी एक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है इट फॉल्स अंडर नाइट्रामाइन जिसको हम बोल सकते हैं साइक्लोनाइड या फिर रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव ठीक है डेमोलिशन के लिए मेजरली इसको यूज़ किया जाता था आर डी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसके जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं जब हम कोल भी एक्स करते हैं तो भी यूज़ करते हैं एक तरीके का बहुत ज़्यादा फेमस एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है तो आर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन पिकरिक एसिड क्या है इट इज़ नॉट ए नाइट्रामाइंड इट कंटेन्स नाइट्र नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप बट ए नाइट्रामाइंड नहीं है इसी वजह से करेक्ट आंसर आपका आरडीएक्स होगा लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यूजअली द सीवियर फायर डैमेज ऑकर्स और ऑकर्स एट और नियर एंट्री ऑफ द अपार्टमेंट एरिया ऑफ ओरिजिन बेड लाइंग इन द रूम एरिया ऑफ मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो ये आपके फायर आर्सन का क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे फायर सबसे ज्यादा सीवियर होगा आपको बताना है सो सीवियर फायर डैमेज यूजअली ऑकर्स एट दी नीयर एन एट एरिया ऑफ ओरिजिन विच इज वेयर द फायर स्टार्टेड सो आपका एरिया ऑफ द ओरिजिन कैन बी द करेक्ट आंसर सो हम एरिया ऑफ द ओरिजिन को करेक्ट आंसर मानेंगे ठीक है एंट्री ऑफ द अपार्टमेंट में कैसा होगा फायर फायर डैमेज इज लेस लाइकली टू बी सीवियर एट द एंट्री पॉइंट द फायर ओरिजिनेट देयर जब तक वो अगर एंट्री अपार्टमेंट की एंट्री पे ही फायर है तो एरिया ऑफ ओरिजिन पे सबसे ज्यादा होगा तो वो जब तक एरिया ऑफ ओरिजन नहीं होगा तब तक वहाँ पे फायर सीवियर नहीं होगी यूजअली द एंट्री पॉइंट इज वेयर द फायर डिपार्टमेंट एंड फायर फाइटर इनिशियली एंटर टू द प्रोमाइसिस टू कंट्रोल द फायर अगर एरिया ऑफ ओरिजन बोलें तो दिस इज द मोस्ट लाइक मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड प्लेस दिस इज़ द मोस्ट लाइकली लोकेशन फॉर सीवियर फायर डैमेज बिकॉज इट इज़ वेयर द फर्स्ट द फायर फर्स्ट स्टार्टेड एंड हैड द मोस्ट टाइम टू बर्न एंड स्प्रेड बिफोर यू स्प्रेड बिफोर बींग अड्रेस्ड सबसे ज़्यादा वहीं पर सीवियरिटी होगी बेड लाइंग नियर द रूम वाइल अ बेड कैन सर्टनली कैच फायर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द फायर डैमेज द सीवियरिटी ऑफ द डैमेज डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो शुरू हुई थी या नहीं हुई थी ठीक है अगर एस्टिंग्विश क्विकली करी गई है नहीं करी गई है या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस ना जो बेड हो वहाँ वो इस ऐसे सब्सटेंस से ना बनाओ जो ईजिली फायर कैच नहीं करते हैं द एयर ऑफ ओरिजिन इज़ जनरली मोर क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ सीवियर डैमेज ठीक है जो एरिया है जहाँ से फायर शुरू हुई थी वही ही क्रिटिकली एसोसिएटेड है आपके सीवियर डैमेज है एरिया ऑफ मैग्जिम ड्रिफ्ट ये जो टर्मोनोलॉजी है किसके लिए यूज़ करी जाती है फायर डैमेज के लिए यूज़ करी जाती है सो इट्स वेरी अनकलियर वेयर वॉट इट रेफर्स टू विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस एस दी रेलिवेंस ऑफ द फायर डैमेज जो ओके एवी वन सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फोइिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग एविडेंस फ्राम डिफरेंट साइज़ फ्राम मिसलेनियस डेबरीज सो इसका सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिख रहा है सीविंग ये सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस को सेपरेट करने के लिए नहीं बट डिफरेंट अदर आइटम्स को भी साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करता है तो ये आप सॉइल सैम्पल को जब भी, भी आपने आ, कभी कॉलेज में प्रैक्टिकल किए होंगे सॉइल सैंपल से तो अपने सीविंग मेथड यूज़ ज़रूर किया होगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइल के पार्टिकल्स uh, होते हैं आप उनको डिफरेंटली क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो डिफरेंट या तो आप डेबरीज सेपरेट कर सकते हो या फिर उनको ही डिफरेंट साइज़ में सेपरेट कर सकते हो बाकी जो और दूसरे ऑप्शन है इट्स नॉट करेक्ट ऑप्शन सीविंग इज द करेक्ट ऑप्शन इट इज़ अ मेथड यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइज़ फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डेबरीज इट इन्वॉल्व पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ सीव और mesh with opening of specific size. Smaller particle passes through the openings while larger ones are retained. The process is commonly used in forensic science to separate evidences from different size from

तो आप इसे जाके वहाँ से भी एसिस कर सकते हैं एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को मैं बता दूँ कि ये जो पी अवेलेबल है ये हमारे कोर्स में अवेलेबल है जो कोर्स है वो यू जी सी नेट फॉरेंसिक साइंस का स्टडी मटेरियल कोर्स और वीडियो लेक्चर कोर्स ये दोनों ही कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन को आप मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हो और हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको इनरोल करना होगा और ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स यूनिट वाइज टेस्ट तो पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही आपका कवर हो जाएगा और दोनों ही पेपर के यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे पी नोट्स मिलेंगे लाइव लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे वन फिफ्टी वन फिफ्टी क्वेश्चन के आपके पास मॉक टेस्ट आएंगे वन फिफ्टी क्वेश्चन आपके टोटल यू जी सी नेट के पेपर में आते हैं एग्जैक्टली exactly वैसे ही टाइमर भी थ्री आवर्स के लिए चल रहा होगा तो आप सेम एग्जाम स्टिम्यूलेशन में दे सकते हैं टेस्ट हमारे पोर्टल पे इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेन ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व मिलेगा सो so ये सारा कुछ अवेलेबल है हमारे इन दोनों कोर्सेज में स्टडी मटेरियल कोर्स में सिर्फ वीडियो लेक्चर और लाइव लेक्चर नहीं होंगे इसके अलावा बाकी सब मटेरियल आपको मिल जाएगा ओके सो लेट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एस डी एस सी एस डी एच सी एंड एस डी एक्ससी एंड एस डी आई ओ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया स्टोरेज कार्ड सिम कार्ड पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ना बच्चों को मोबाइल फ़ोरेंसिक कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में ही होती है क्योंकि आपने ना बहुत लिमिटेड सा ही कंप्यूटर फरेंसिक्स पढ़ा होता है और जब आप यू जी सी नेट का एग्ज़ाम देते हो तो इसी तरीके के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं फिर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है और यही वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आप स्टैंड आउट करते हो या फिर जहाँ पर आप नेट का एग्ज़ाम क्रैक करोगे जे आर एफ क्रैक करोगे ठीक है तो हम ये देख लेते हैं कि मीडिया स्टोरेज कार्ड क्या कौन कौन से होते हैं तो एस डी एस सी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल स्टैंडर्ड कैपेसिटी एस डी एच सी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी एस डी एक्स सी का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी एंड एस डी आई ओ का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट डिइसेज या डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया स्टोरेज कार्ड्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मीडिया स्टोरेज कार्ड ऑप्शन वन ये सारे के सारे टाइप से मीडिया स्टोरेज कार्ड्स के ठीक है दीज कार्ड्स आर यूज टू स्टोर डाटा इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैमराज स्मार्टफोन्स टैबलेट्स एक्सेट्रा ईच टाइप ऑफ कार्ड हैज़ डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ मेकिंग देम सूटेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल डिवाइस में ये स्टोरेज के लिए अवेलेबल होते हैं मीडिया स्टोरेज कार्ड्स आर कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग फोटोज़ वीडियोज़ म्यूजिक एंड अदर डिजिटल कंटेंट्स ठीक है सो एक तरीके के स्टोरेज डिवाइज होते हैं जिसमें हम जो भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं वो है

हायर होगा अब याद कर लो कि हमने कैसे पढ़ा था माइक्रोस्कोप में जब हम हेयर को देखते हैं तो तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं क्यूटिकल अब इस क्यूटिकल में ही स्पेसिफिकली डिजाइन बनी होती है अंदर का जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेड्यूला तो ये मैंने बनाया कॉर्टेक्स जो हेयर के पिगमेंट्स होते हैं कई लोगों के जो हेयर होते हैं वो ब्लैक डार्क ब्लैक होते हैं ब्राउन होते हैं या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने हेयर कलर करते हैं आर्टिफिशियल कलर्स करते हैं तो वो आर्टिफिशियल कलर्स भी इन्हीं कॉर्टेक्स में जाके स्टोर होते हैं तो कॉर्टेक्स इज़ फॉर पिगमेंटेशन ऑफ द हेयर इसके अलावा कुछ ऐसे ह्यूम्स होते हैं जिनमें फ्रेगमेंटेड मेड्यूला या फिर डिसकन्टीन्यूस मेड्यूला प्रेजेंट होता है समटाइम्स कंटिन्यूस मेड्यूला भी थिन सा प्रेजेंट होता है ठीक है ये जो क्यूटिकल है इस क्यूटिकल में ना क्या बने होते हैं डिफरेंट स्केल्स बने होते हैं तब क्वेश्चन ये है देखो हमारे हेयर में भी ऐसे आप जब आपने कभी ना शैम्पू वैम्पू के ऐड देखे होंगे टीवीओ में तो इस तरीके से एक आपको इमेज देखने को मिलेगी कि जब अगर आपने हमारा कंडीशनर नहीं लगाया है इट्स वेरी फ्रीजी अगर आपने हमारा कंडीशनर लगा लिया है तो इट्स वेरी स्मूथ लाइक दैट है ना तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल और ये जो इसको हम बोलते हैं स्केल क्यूटिकल में स्केल्स प्रेजेंट होती है एंड दीज स्केल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन विच टाइप ऑफ हेयर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर है scalp in human hair the scale count is significantly smaller in case of hair from scalp which is compared hair from other body parts okay the cuticle of the hair on the scalp tends to have smaller and more tightly packed scales compared to hair from the areas like face chest or nose this different, this difference in scale size and arrangement can be a factor in forensic analysis and the study of hair ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज द्वेश्चन ट्वेंटी स्टेटस ऑफ सॉइल इज प्रोवाइडेड बाई सॉइल कंसिस्टेंसी सॉइल कलर सॉइल टेक्स्चर एंड सॉइल स्ट्रेंथ तो इसका करेक्ट आंसर है सॉइल कलर ठीक है ये जो रेडॉक्स स्टेटस है उससे आपको सॉइल का कलर पता लगता है द कलर ऑफ सॉइल कैन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेडॉक्स स्टेटस फॉर एग्जाम्पल वेल वेल एरिएटेड सॉइल ऑफन हैव रेड एंड येलो कलर ठीक है जो ज्यादा एरिएटेड या फिर ऐसी सॉइल जिसमें एयर इजिल पास हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेल एरिएटेड यह यूजअली रेड और येलो सॉइल में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन दे एयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म वाइल प्यरली एरिएटेड और वॉटरलॉक सॉइल्स में हैव ग्रे एंड ग्रीनिश कलर इंडिकेटिंग रिड्यूस्ड इंडिकेटिंग रिड्यूज कंडीशन दैट अफेक्ट दी

एम पी एम एट हंड्रेड सिस्टम एफ टी आई आर और एस एस एम एस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू इट्स एम पी एम एट हंड्रेड सिस्टम इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज फॉर कलर मेजरमेंट ऑफ द पेन सैम्पल दैट इज़ नोन एज एम पी एम एट हंड्रेड सिस्टम इसके अलावा ग्रिम क्या है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट ये यूज़ करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है ये हम पेंट के लिए यूज नहीं करते पी एम पी एट हंड्रेड सिस्टम स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कलर मेजरमेंट इट क्वांटिफाइज एंड कैरेक्टराइज कलर प्रॉपर्टीज मेकिंग इट सूटेबल फॉर एसेसिंग द कलर ऑफ पेंट सैम्पल्स इसी वजह से हम पेंट सैंपल के कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट मेजर्स कलर यूजिंग पोमेंट सच एज कलर स्पेस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं कलर स्पेस वैल्यू इन द लैब विच इज़ विच इज़ पर्टूलरली रिप्रेजेंटेड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइक लाइटनेस ह्यू एंड क्रोमा ठीक है तो इट इज़ रिलेटेड विद द पेंट कलर एफ टी आई आर का आपको पता ही है इट इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल मेजरिंग अब्जॉर्बशन ऑफ इंफ्रा रेड लाइट वाइल लिट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल मेकअप ऑफ द पेंट इट इज़ नॉट प्राइमरि यूज फॉर कलर मेजरमेंट ठीक है ये हम किसके लिए यूज करते हैं हम कलर ये जो पेंट है उसके केमिकल कॉन्स्टिटेंट को जान सकते हैं कलर को अगर नहीं जानना है हमें ये पता करना है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है तो आप एफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो एस एम एस क्या है सेकेंडरी आयरन मास स्पेक्ट्रोमीटरी ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें भी आप एलिमेंटल कंपोजिशन पता कर सकते हो सॉलिड सर्फेस से एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द कलर मेजरमेंट कलर मेजरमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेजर कर सकते हो उनको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्पीच प्रोडक्शन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉटेक्स जब आप बात कर रहे होते हो तो ये जो स्पीच होती है जो स्पीच प्रोडक्शन होता है वो आपके ब्रेन के कौन से एरिया से एसोसिएटेड है आपके पास ऑप्शन है फ्रंटल लोब पेराइटल लोब टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रंटल uh, लोब ठीक है इसका करेक्ट आंसर है फ्रंटल लोब फ्रंटल लोब स्पेशली द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ फ्रंटल लोब इज द मोस्ट राइट इन द मोस्ट राइड हैंडेड इंडिविजुअल्स एंड इन मेनी लेफ्ट हैंडेड इंडिविजुअल्स ऑल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल इन स्पीच प्रोडक्शन इट कंटेन्स रीजन सच एज ब्रोकाज एरिया विच इज़ क्रूशियल फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच मोटर कंट्रोल Damage to Broca's area can result in exp uh, expressive aphasia, which affects the ability to produce coherent speech. ठीक है अगर ये आपके फ्रंटल लोब जो आपका ब्रेन है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लोब से लोब में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं जो फ्रंटल पार्ट है है ना जो फ्रंटल पार्ट है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब स्पेसिफिकली फ्रंटल लोब में जो लेफ्ट हेमिसफेयर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चाहे वो लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो या राइट हैंडेड इंडिविजुअल हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे एक ब्रोकास एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए और स्पीच मोटर कंट्रोल के लिए अगर ये ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाता है तो स्पीच प्रोडक्शन में स्पीच आइडेंटिफिकेशन में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग uh, में अफेक्ट हो जाता है सो फ्रंटल लोब इज़ द करेक्ट आंसर अगर मैं बात करूँ पेराइटल लोब या टेम्पोरल लोब की सो इट इन्वॉल्व्स Parietal lobe involves the process which relates to sensory perception, okay. uh, spatial awareness and coordination, but it is not primarily responsible for speech production. Next, we have temporal lobe. Temporal lobe is involved in various aspects of language processing, including auditory perception, auditory perception. auditory perception comprehension spoken language etc while the other important thing is language it is not primary control center for speech production ठीक है स्पीच प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है स्पीच आप एनालाइज कर सकते हो ऑक्सीपिटल लोब की बात करें सो इट इज रिलेटेड विद विजुअल प्रोसेसिंग आपके आई से आपके विजुअल थिंग्स से रिलेटेड होता है ऑक्सीपिटल इसलिए फ्रंटल लोब इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूटीलाइज्ड इन मॉडल बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम टेक्निक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इलास्टिक पंच ग्राफ मशीन मैचिंग सॉरी इलास्टिक बंच ग्राफ मैचिंग स्केल इन वेरियंट फीचर ट्रांसफॉर्म लोकल बाइनरी पैटर्न तो इसका करेक्ट आंसर है ई बी जी एम ठीक है दैट इज इलास्टिक बंच ग्राफ मैचिंग ऑप्शन नंबर इसका जो प्रिंसिपल है कंपोनेंट एनालिसिस का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एक तरीके का ऐसा मॉडल है जो कि फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड है एंड दैट रिप्रेजेंट फेस एज ग्राफ्स एंड मैचेस देम विथ यूजिंग ग्राफ बेस मेथड तो ग्राफ के बेसिस पे ग्राफ के बेसिस पे ये फेस रिकोगनाइज करता है इसके अलावा पी का क्या है पी सी इज़ डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक कॉमनली यूज फॉर फेस रिकोगशन बट इट इज़ मोर कॉमनली एसोसिएटेड विथ अपरे अपियोरेंस बेस्ड अप्रोचेज रैदर देन मॉडल बेस्ड वंस ये भी फेस रिकोगशन के लिए है बट मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकली आपका बी ई बी जी एम है ठीक है नेक्स्ट वे हैव एस आई एफ टी स्केल इन वेरियंट फीचर ट्रांसफॉर्म ये भी फीचर बेस्ड फेस रिकोगशन अप्रोच से रिलेटेड है वेयर डिस्टेंट फीचर्स ऑफ द फेस आर एक्सट्रैक्टेड एंड मैच टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स ठीक है उसके बाद है लोकल बाइनरी पैटर्न ये भी आपके एक तरीके का टेक्सचर एनालिसिस है इमेज टेक्सचर एनालिसिस दैट इंक्लूड्स फेसियल टेक्सचर एनालिसिस इट्स नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ मॉडल बेस्ड अप्रोच सो फॉर मॉडल बेस्ड फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम ऑफ चॉइस इज ऑफन ई बी जी एम इसके अलावा ये जो मैंने और टॉपिक्स आपको डिस्कस करे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म और लोकल बाइनरी पैटर्न ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग डिसम्बर के एग्ज़ामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन इन तीनों ऑप्शन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अटायर हैविंग अ कोड ऑफ पी वन नाइन्टी फाइव सिक्सटी फाइव आर फिफ्टीन वेयर सिक्सटी फाइव रिप्रजेंट्स ठीक है ये जो सिक्सटी फाइव है ये क्या रिप्रेजेंट करता है एस्पेक्ट रेशियो अप्रोक्सीमेट सेक्शन विथ रिम डायामीटर या फिर थिकनेस आंसर है एस्पेक्ट रेशियो ठीक है ये जो टायर कोड है दिस पी वन नाइंटी फाइव सिक्सटी फाइव आर फिफ्टीन ईच पार्ट ऑफ द कोड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि पी स्टैंड फॉर द टाइप ऑफ टायर इन दिस केस इट इंडिकेट्स दैट इट्स अ पैसेंजर कार टायर 195 नाइंटी फाइव रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट सेक्शन विद ऑफ द टायर इन मिलीमीटर ठीक है जो 65 है इट रिप्रेजेंट द एस्पेक्ट रेशियो आर रिप्रजेंट इट आर सिग्निफाइज दैट द टायर हैज़ रेडियल कंस्ट्रक्शन 15 रिप्रेजेंट रिम डायामीटर इन इंचेस और ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसी वजह से 65 फाइव किस को करता है आपके एस्पेक्ट रेशियो को याद रखना कि ये लास्ट वाला रिम डायामीटर को रिप्रेजेंट करता है आर रेडियल कंस्ट्रक्शन को ये जो नंबर है एस्पेक्ट रेशियो को और वन सेक्शन विथ को और पी टाइप ऑफ टायर को ठीक है ये या आपको याद रखना है हियर द टाइप सिक्सटी फाइव इज द टायर कोड विच रिप्रेजेंट द एस्पेक्ट रेशियो विच इज द रेशियो ऑफ द टायर साइड वॉल हाइट विथ सेक्शन विथ एंड इट एक्सप्रेसड एज अ परसेंटेज इन दिस केस द एस्पेक्ट रेशियो सिक्सटी फाइव इंडिकेटिंग दैट द साइड वॉल हाइट विल बी सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द टायर सेक्शन विथ ठीक है सो so, इसके अलावा आप ये बाकी और चीज़ें डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं ये पी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ ऑल दी एक्सप्लेनेशन इन आवर एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन से शुरू करेंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन आवर ऑनलाइन कोचिंग बैचेज़ सो यू कैन जॉइन द क्लासेज इन आर एप्लीकेशन एप्लीकेशन आप फोन मोबाइल फ़ोन आपके लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं सो डोंट फर्गेट टू जॉइन आर क्लासेस एंड क्रैक योर यू जी सी नेट जे एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट अभी भी काफ़ी टाइम है जॉइन जॉइनर क्लासेस एंड क्रैक योर एग्जामिनेशन इन डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थैंक यू थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे अयर टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दें टेक केयर बाय बाय